हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं अभिषेक कुमार, आप सभी का स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे सीडीएस एग्जाम से में जो जीएस के रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में। सीडीएस एग्जाम जो अभी अपकमिंग सीडीएस एग्जाम आपका सितंबर के मंथ में आने वाला है, बहुत ही कम टाइम बचा है लेकिन बहुत ही क्रूशियल टाइम है, और इस टाइम में ये एग्जाम इजिली क्वालिफाई किया जा सकता है। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी ज्योग्राफी सीडीएस में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं ना क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी का, ये इजी सब्जेक्ट है, ये बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है। आप लॉजिकली अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे, समझेंगे तो आप सब्जेक्ट को सॉल्व कर सकते हैं, इस सब्जेक्ट को सॉल्व कर सकते हैं और इससे मार्क्स आप अपना गेन कर सकते हैं। ये देखते हैं सबसे पहले कि सब्जेक्ट से इसकी वेटेज क्या है हमारे एग्जामिनेशन में। देखो, ये है हमारा एक कॉमन वेटेज है वेरियस सब्जेक्ट्स का सीडीएस एग्जाम में। डिफेंस से हमारे 4 पॉइंट, और ये मार्क्स वाइज मैंने लिखा हुआ है। अगर हम इसमें स्पेसिफिकली ज्योग्राफी पे फोकस करें तो ज्योग्राफी से आपको 15 मार्क्स तकरीबन आते हैं, 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने क्वेश्चन होते हैं? 20 से 22, 20 से 22 क्वेश्चन होते हैं ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी में पूछता क्या है? ज्योग्राफी में पूछता क्या है? ज्योग्राफी में बेसिकली पूछता है पॉलिटिकल एंड फिजिकल ज्योग्राफी। देखो, ज्योग्राफी जो है ज्योग्राफी में पॉलिटिकल एंड फिजिकल ज्योग्राफी पूछी जाती है हमारे सीडीएस एग्जाम में। पॉलिटिकल में इंडिया पॉलिटिकल एंड वर्ल्ड पॉलिटिकल, फिजिकल में इंडिया फिजिकल एंड वर्ल्ड फिजिकल। ये आपका ज्योग्राफी में बेसिकली इस एरिया से, इस पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। वर्ल्ड इंडिया फिजिकल में अगर मैं आपसे बात करूं तो बेसिकली आपसे क्या पूछेगा। अब मैं आपको एक एक टॉपिक में थोड़ा सा जब ब्रीफली बताता हूँ कि क्या क्या कहाँ से पूछ लेता है। अगर मैं बात करूं आपसे कि इंडिया फिजिकल में आपसे क्या पूछेगा, इंडिया फिजिकल में आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं? आपसे सबसे पहले पूछेगा फिजियोग्राफी के बारे में, हमारे डिफरेंट फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं उनसे रिलेटेड पूछेगा। फिर आपसे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पूछेगा, उसके बाद सॉइल्स, नेचुरल वेजिटेशन, इंडिया का जो क्लाइमेट है मॉनसूनल क्लाइमेट, पता है ना मॉनसून, रिवर्सल ऑफ विंड, उसके बारे में पूछेगा। वर्ल्ड फिजिकल की अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड फिजिकल में क्या पूछेगा आपसे? आपसे पूछेगा जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी। दूसरा आपसे क्या पूछेगा? आपसे पूछ सकता है क्लाइमेटोलॉजी। ओशनोग्राफी, ये अलग अलग पोर्शन से आपका इंडिया और वर्ल्ड फिजिकल में पूछेगा। अगर मैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात करूं तो उसमें क्या पूछेगा? पॉलिटिकल ज्योग्राफी में यूजुअली अगर देखा जाए तो क्या पूछता है? पॉलिटिकल ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में इंडिया और वर्ल्ड दोनों के ही कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या पूछेगा? एग्रीकल्चर, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, मिनरल्स एंड रिसोर्सेस। मेजरली हमारे एग्जाम में इन्हीं सब टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं ज्योग्राफी में। 20 से 22 क्वेश्चन पूछेगा 15 नंबर की ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप लोग साइंस बैकग्राउंड से हो या आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हो,
क्या आप लोग चाहे ह्यूमैनिटी से भी हो लेकिन आपके ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के ऊपर कमांड नहीं है, तो भी आप ज्योग्राफी को, मैं चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, मैं कहूंगा अगर आप सीडीएस एग्जाम टारगेट करो तो ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, इसको पूरा ढंग से करना है। ठीक है, हमारा आपका टारगेट होना चाहिए कि इसको अच्छे से करो। ठीक है, अब अच्छे से करने के लिए मैंने आपको टॉपिक बता दिया, क्या पूछेगा, कहाँ से पूछेगा, क्या क्या चीजें पूछी जाती। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर ठीक है ये सारी बातें समझ आ गई, अब आप मुझे ये भी बता दो कि मैं पढ़ूं कैसे। यूजुअली जो रिकमेंड किया जाता है वो ये चार किताबें रिकमेंड की जाती हैं, इलेवन एंड ट्वेल्थ एनसीईआरटी। इलेवेंथ और 11वीं और 12वीं की, ये दो आपकी इलेवेंथ की एनसीईआरटी हैं और ये दो आपकी ट्वेल्थ की एनसीईआरटी। इन चार किताबों को रिकमेंड किया जाता है। अगर आपने इन चार किताबों को अच्छे से थोरोली पढ़ लिया, इसके पढ़ने के बाद पहला प्रोसेस है कि आप किताबें समझ के पढ़ो। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। किताबें पढ़ने के बाद आपने टेस्ट किया, आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, टेस्ट किया, एनालिसिस किया, उसके बाद अगर आप एग्जामिनेशन में आपने आपको टेस्ट करोगे कि ज्योग्राफी से आपने कितने क्वेश्चन हिट किए, सो मैं आपको इजिली कह सकता हूँ और बड़ी कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, आप 15 से 17 क्वेश्चन कर पाओगे 22 में से। 22 में से आप 15 से 17 सही क्वेश्चन करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप जीएस में देखो तो जीएस में यूजुअली बच्चों के स्कोर जाते हैं 40 to 45, इससे ज्यादा नहीं जाते हैं। 40 to 45 में अगर आपको स्कोर करना है तो कितने क्वेश्चंस आपको करने होंगे, अराउंड 55 क्वेश्चंस आपको सही करने होंगे। ठीक है, अगर 45 नंबर आपको चाहिए तो आपको 40 से 45 चाहिए तो आपको 50 से 55 सही क्वेश्चन करने होंगे। 50 से 55 में से अगर आपने 17 क्वेश्चन इधर से ही उठा लिए तो सोचो कितना गेन है आपका। फिर साइंस है, साइंस तो इजी सब्जेक्ट है, करंट अफेयर्स है इजी है, पॉलिटी है इजी है, कंपैरेटिवली बहुत इजी है आपके बाकी सब्जेक्ट से। सो ये ज्योग्राफी आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका निभा सकती है एग्जाम क्वालिफाई करने में। पहले स्टेप सब्जेक्ट पढ़ना है, किताबें पढ़नी है, थॉरली पढ़ना। उसके बाद बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, जहां से भी हो, जितना भी हो, कुछ भी हो, प्रैक्टिस करो। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपका कंसेप्ट उतना क्लियर होगा, जितना क्लियर आपका कंसेप्ट होगा आप उतने कॉन्फिडेंट फील करोगे। आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, प्रैक्टिस करने के लिए यूजुअली मैं जो स्टार्टिंग में सजेस्ट करता हूँ, जैसे आप लोगों ने नया पढ़ना स्टार्ट किया है, सपोज करो कि आज मैंने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ ली पूरी फिजिकल ज्योग्राफी की। ठीक है, मैंने क्लाइमेटोलॉजी पूरा ढंग से पढ़ लिया, क्लाइमेटोलॉजी मैंने पढ़ लिया, अब मैं जाऊं, मैं ऐसा आप लोगों को सजेस्ट करूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस करने के कई तरीके हैं लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ठीक है, ये आप एक बार ट्राई भी करना, काफी हेल्पफुल भी होगा। आपने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ लिया, अब जाओ क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो PYQ है, चाहे आपके पास कोई किताब है वहां से है, या कहीं आपने कहीं से कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह ले रखा है वहां से, कहीं से कुछ भी, मतलब मैं कह रहा हूँ जहां से हो वहां से क्वेश्चन करो क्लाइमेटोलॉजी के। जब आप ऐसा करोगे तो आपको फिर अपने इस टॉपिक पे कॉन्फिडेंस आएगा, देखो कि कहाँ गलती हुई, उस गलती को जाके दोबारा पढ़ो। जब आप ये प्रोसेस कंटिन्यू कंटिन्यू करते रहोगे सो आपको कॉन्फिडेंट आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, आपका इस टॉपिक के ऊपर कमांड बढ़ेगा। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए, सफिशियंट प्रैक्टिस हो जाए, फिर अगला स्टेप है मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेस्ट लगाना। स्टार्टिंग आप ऐसे कर सकते हो कि पूरी ज्योग्राफी आपने पढ़ ली, सारे टॉपिक कवर कर लिए, उनके ऊपर वो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर लिए, अब पूरी ज्योग्राफी के, पूरा जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उस ज्योग्राफी के फुल लेंथ टेस्ट लगा लें, 50, 60, 70, 80, 100 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन का आपको फुल लेंथ टेस्ट मिल रहा है जिसमें पूरी ज्योग्राफी कवर हो रही है, आप वो टेस्ट लगाओ। ठीक है, PYQs उठाओ, PYQs लगाओ। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको एग्जामिनेशन का फील आना चाहिए कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो जो कोई भी किताब वगैरह है या कहीं से भी आपने कोई टेस्ट सीरीज वगैरह सब्सक्राइब कर रखा है, वो यूजुअली हम लोग, देखो हम लोग बना, कोई भी बनाता है, चाहे हम लोग भी बनाते हैं स्टडी फंडा में, तो हम लोग जो बनाते हैं, हम बनाते हैं एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू रख के, लेकिन हम जो एग्जाम के टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे और जो यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगा उसमें अंतर तो होगा। आप जाओ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, सीडीएस का सॉल्व करो, एनडीए के सॉल्व करो, सीएपीएफ के सॉल्व करो,
जब आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि यूपीएससी किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछती है, किस लाइंस पे क्वेश्चन पूछते हैं। जब आपको वो समझ आ जाएगा तो आपका ये सब्जेक्ट के ऊपर कमांड और बढ़ेगा। उसके बाद अपने स्वॉट एनालिसिस करो, आप देखो कि सब्जेक्ट में आपके कौन कौन सा क्वेश्चन आपकी स्ट्रेंथ है। आपको क्लाइमेटोलॉजी समझ आती है, आपको ओशनोग्राफी समझ आती है, लेकिन जियोमॉर्फोलॉजी में आपके आपका थोड़ा मामला टाइट है। जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ो, नहीं समझ आ रहा है आप वीडियोस देखो हमारे चैनल पे, पिछले पूरा मैंने कोर्स फ्री में करवा रखा है ज्योग्राफी का। आप जियोमॉर्फोलॉजी की वीडियोस देखो, आप दूसरे टॉपिक्स की वीडियो देखो। आपको इंडियन ज्योग्राफी में फिजियोग्राफी में दिक्कत आ रही है, हिमालयस माउंटेन कैसे फॉर्म हुआ है, आप उनकी वीडियो देखो। आइलैंड्स कैसे फॉर्म हुआ है उसकी वीडियो देखो। जब आप ऐसे कंटिन्यू करोगे, अपना शॉर्ट एनालिसिस करोगे, इन चीज के ऊपर फोकस रहोगे, सो धीरे धीरे सब्जेक्ट के ऊपर आपका कमांड बढ़ेगा। ठीक है, जैसे ही कमांड बढ़ेगा आप स्कोर कर लोगे, है ना, और स्कोर करोगे बस एग्जाम क्वालिफाई, नेक्स्ट स्टेज एसेसमेंट। तो ये था बच्चों ज्योग्राफी के बारे में कि ज्योग्राफी हमें कैसे पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है। मैं एक वीडियो खत्म करने से पहले एक आपको वो दे बताना चाहूंगा कि हम स्टडी फंडा पे हम वो वीकली टेस्ट लाते हैं, ठीक है, जिसमें अभी ज्योग्राफी हमारा कंप्लीट हुआ है, इसके बाद अभी पॉलिटी चल रहा है, तो पॉलिटी के वीकली टेस्ट चल रहे हैं, ज्योग्राफी के ऐसे टेस्ट स्टार्ट हुए हैं, आगे हम फुल लेंथ टेस्ट भी लेंगे। सो अगर आपको वो भी आपको लेना हो, वो क्वेश्चंस वगैरह चाहिए, सो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।